ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आप दिन भर सोचा ही करते हैं, दूसरा आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, आपको मन में डर लगता है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत नकारात्मक मन चीज़ें सोचता रहता है। हम शून्य हो जाते, कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते, चाहकर भी अच्छा नहीं सोच पाते, और जो हम सोच रहे हैं नकारात्मक, वैसी की वैसी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हमें दिखाई देती है। हम वैसे ही चीज़ें देख रहे हैं, हमारे साथ लोग वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा हम सोच रहे हैं। तो हम बहुत नेगेटिव हो गए हैं, खुद को नहीं समझ पा रहे, बहुत नकारात्मक हो रहे हैं, और हमारी जो बुद्धि है वो काम ही नहीं कर रही, हम बिल्कुल खाली हो गए हैं। और तब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या किसी ने हमारी बुद्धि बांध ली है, क्या कोई आपकी बुद्धि बांध भी सकता है। तो आज ये पूरा जो आप पूरी सिचुएशन है जो लाइफ में जी रहे हैं, इसका समाधान सॉल्यूशन और इसके बारे में आज विस्तार से आप जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो होती है कि जब कभी भी हम ओवरथिंक करते हैं, ज़्यादा तभी सोच पाएंगे जब हम बहुत नकारात्मक सोचेंगे। अच्छा आप बहुत कम सोच सकते हैं, आप खुद देखिए कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, तो वो नकारात्मक ही सोचेगा, वो अच्छा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि अच्छा चिंतन करना बहुत बहुत रेयर है। तो कभी भी ज़्यादा सोचने का जो आपका व्यवहार है उसे बंद करें, बिल्कुल सोचना बंद करें। अब आप कहेंगे कि कैसे हम सोचना बंद करें, उसका साधारण सा तरीका है, अपने जो सोच आप दिन भर जो नेगेटिविटी सोचते रहते हैं उसको बंद करने का तरीका है मंत्र जप। आप अपनी उस सोचने की जो क्षमता है उसको एक मंत्र पर केंद्रित कर लें, और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, श्री गणेशाय नमः, कोई भी हमारे देवी देवताओं का एक मंत्र लें और अपनी जो सोच है वहाँ पर केंद्रित कर दें। बस जैसे ही आप कुछ सोचने लगे कि वो मंत्र मन में जाप करना शुरू कर दें, 8 दिन 10 दिन में आप खुद को बहुत ज़्यादा परिवर्तित पाएंगे और अपने जीवन में वो चीज़ें अनुभव करेंगे जिसके बारे में शायद आप कभी सोच नहीं सकते। दूसरा एक रीज़न होता है कि कई बार जो लाइफ में चीज़ें घटित होती है हम खुद ही उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ग्रह जो हैं वो हमसे वैसा व्यवहार करवाते हैं जैसा कि वो चाहते हैं। तो इस सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए, क्योंकि कर्म की आज़ादी हमारे हाथों में, केवल ग्रह हमें कर्मों की ओर धकेल देते हैं और वैसी बुद्धि बना देते हैं, तो कोशिश करें कि हमें केवल अच्छा और सकारात्मक ही सोचना है और अच्छा कर्म ही करना है। जब आप ये थॉट क्लियर रखेंगे तो ग्रहों के प्रभाव भी आप स्वयं से कम कर सकते हैं। तो ये कुछ सीक्रेट थे जो मैंने आपके साथ साझा किया। अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।